हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के लिए ये क्यूट सी ड्रेस। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही इजी है। इस ड्रेस को हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए हैं। यहाँ पर हम 5 ही नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाकर दिखा रहे हैं। इस डोरी को इस तरह गले से पीछे की साइड बांध लेंगे। इसको नीचे की तरफ सेट करते हुए इसको वेलक्रो चिपका देंगे। इस ड्रेस को पहनाने के बाद में कुछ इस तरह का लुक आया है। इसको फ्रंट साइड से भी देखिए और ये रही हमारी बैक साइड से। दोनों ही साइड से इस ड्रेस का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया है। इसके लिए हम यहाँ पर नेट का फैब्रिक और ये चंदेरी कॉटन का फैब्रिक लिए हैं। आप इसकी जगह एक कलर का यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखा देते हैं। इसको लंबाई से 4.5 इंच और चौड़ाई से 4.5 इंच का कट कर लिया है। इसके 2 पीस कट कर लिए हैं। नेट की फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई हम बताते हैं। इसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसकी लंबाई है 45 इंच। ये देखिए 45 इंच के 2 पीस मैंने इसके कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लेट्स बनाना है। प्लेट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमें पीछे के साइड से थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करेंगे इस तरह, फिर आगे को इस तरह रखेंगे, फिर पीछे से थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करेंगे और आगे को रखेंगे। जब हम इस प्रकार से करेंगे ना तो हमारी प्लेट्स बनकर रेडी हो जाएंगी। इसी प्रकार करते हुए हमें पूरे लंबाई में प्लेट्स बनाकर तैयार करनी है। इस पर हम प्लेट बना चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेट्स कितनी ज़्यादा घनी बनी है। इस ड्रेस में परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, कितना भी आप लंबा या छोटा ले सकते हैं। अगर आप लंबाई में ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर आपकी प्लेट्स ज़्यादा घनी होंगी, अगर लंबाई कम लेंगे तो यहाँ पर चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनकर तैयार होंगी। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। ये जो मैंने 4.5 इंच के 2 पीस कट किए थे तो अब इसमें ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड में इस तरह रखते हुए इस फ्रिल को इसमें अटैच करेंगे। इस तरह रखते हुए इसमें हम 2 साइड में फ्रिल को अटैच कर लेंगे। इधर से सीधी सिलाई लगाते हुए इस कॉर्नर में आएंगे और कॉर्नर से इस तरह सिलाई लगा लेंगे। चलिए इतना कंप्लीट करके तैयार करती हूँ। यहाँ पर हम लेस को अटैच कर दिए हैं। अब इसमें दूसरा वाला फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। इसको सीधा भाग अंदर की तरफ करते हुए इस तरह रखकर 2 साइड में सिलाई को लगा देंगे। यहाँ पर हम 3 साइड में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसको पलटकर सीधा करेंगे। इसको सीधा करने के लिए 1 साइड ओपन कर दिया है। अब इसको पलटकर इसी साइड से सीधा करेंगे। ये ओपन साइड से इस तरफ अंदर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर एक डोरी बनाकर इसमें डोरी लगा देंगे। इसको हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है और इसमें डोरी को भी अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, लेस को अटैच करना है। इस तरफ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ कॉर्नर पे इस तरह कॉर्नर बनाते हुए, फिर इस कॉर्नर पे कॉर्नर बनाते हुए इस तरह यहाँ से चारों तरफ लेस में सिलाई लगाकर अटैच करना है। चलिए इतना कर कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर हमारी लेस लगकर कंप्लीट हो चुकी है। इस ड्रेस में
लेस लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें वेलक्रो लगाएंगे, एक ऊपर की साइड से और एक नीचे की साइड से। इस तरह यहाँ पर वेलक्रो लगाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर हम वेलक्रो को लगा दिया है, एक उल्टे साइड से लगाया है और एक सीधे साइड से लगाया है। यहाँ पर हमारी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो आज की हमारी ये ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस की वीडियो देखने को मिलते रहेंगी। राधे राधे।